कैंप एक भिलाई में शनिवार को एक 30 वर्षीय युवक के द्वारा अबोध 3 वर्षीय बच्ची के साथ अनाचार करने का मामला सामने आया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि कैंप एक भिलाई में 3 वर्षीय बच्ची के साथ एक 30 वर्षीय युवक ने अनाचार किया है। आरोपी मनमोहन को घेराबंदी कर हिरासत में ले लिया गया है। वहीं इस मामले में दखल देते हुए छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल ने कहा कि ऐसे आरोपी को जनता को सौंप देना चाहिए, जिसे जनता सजा दे। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के महासचिव गुरनाम सिंह कुक्कर ने कहा कि इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने वकीलों और ट्रांसपोर्टरों से भी अनुरोध किया है कि इसके पक्ष में कोई खड़ा न हो और इस आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। जहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिस पर से बच्ची का प्राथमिक उपचार तत्काल कराया गया और साथ में घेराबंदी करते हुए आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। और वैशाली नगर थाने में 92/2022 IPC के द्वारा 376/450/501 के तहत मामला कायम किया गया। आज जो एक छोटी सी बच्ची के साथ बहुत घिनौनी हरकत हुई है, जो कि समाज में और किसी समाज में ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और ऐसे आदमी को तुरंत आम पब्लिक में दे के और उसको ख़त्म कर देना चाहिए, जो कि पब्लिक उसका फैसला करे। तुरंत ऐसे आदमी को फांसी या तुरंत ख़त्म कर देना चाहिए। हमारी तरफ से हम लोग ये इस चीज़ का मांग करते हैं कि इसको अभी चलो गिरफ्तार कर लिया तो इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज पता चला कि एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ है और उसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत आज यहाँ थाने पहुंची हुई है और यहाँ पहुंचकर हमें पूरी जानकारी मिली है कि कोई मनमोहन कुमार करके 30 वर्षीय है, जो कि किराए में रहता था, जिसके द्वारा दुराचार किया गया है। तो जो पहली बात तो ये बात है कि अभी पूरा कार्रवाई जो है वो पुलिस की, जिस तरह से हम चाह रहे थे, सिख पंचायत चाह रही थी कि कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मगर ऐसे लोग जो दुराचारी लोग हैं, ऐसे लोगों को तो आम पब्लिक भी छोड़ देना चाहिए। कम से कम इसका फैसला जो है पब्लिक करे, यानी स्पोर्ट फैसला होना चाहिए। और सिख पंचायत की तरफ से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि इस आदमी का एक तो कोई वकील ना खड़ा हो और ऊपर से यानी इस आदमी को कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, उस मालिक जो किराए में इसको रखा था उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस कारण कि उसने इसको इसके बारे में थाने में सूचना नहीं दी। बिना सूचना दिए उस आदमी जो यूपी का रहने वाला है, जिसका नाम मनमोहन कुमार 30 वर्षीय है, रामचंद्र कुमार उसके पिताजी हैं, यूपी से आंध्रा स्कूल के पास रह रहा था, तो इसकी जानकारी मिली है और हम अब यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी जल्द और कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है की जाए। आरोपी द्वारा किया गया इस तरह का कृत्य यह दर्शाता है कि आरोपी मानसिक रूप से कितना विचित्र हो चुका है, जो कि ऐसी हरकत करते समय बच्चे और बड़े का फर्क भी नहीं कर पाता। जरूरी होगा कि ऐसे मामलों में कानून का शिकंजा इतना कसा हुआ होना चाहिए और इसके लिए ऐसी सजा तजवीज हो, जिसे देखकर या सुनकर ऐसे घिनौना कृत्य को अंजाम देने वालों की रूह कांप उठे और ऐसे मामलों में गिरावट आए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।